चलो सबसे किसी कुछ कुछ लोग से पूछते हैं ब्रदर, सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस इज नाइस बट स्टिल नाउ आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द रेंज. कितनी? आई डोंट ब्लो एनी हॉर्न. नीदर एम आई. आई डोंट लाइक टू ब्लो हॉर्न. मैं ड्राइव एकदम नहीं करता हूं, मैं हॉर्न नहीं बजाता हूं. सो गाइस हमारे साथ जो इस इवेंट के विनर है मिस्टर सुरवित, सो कांग्रेचुलेशंस फर्स्टली. मतलब कि 400 एंड कितना बोला? 466 इन योर नेक्सॉन ईवी मैक्स. नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो. मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके आपके लिए एक और नई इंटरेस्टिंग सी वीडियो. सो आपने प्रीव्यू में तो देख ही लिया होगा और हमारे थंबनेल और डिस्क्रिप्शन में सब आपने पढ़ लिया होगा. सो यस, हम आ गए हैं टाटा मोटर्स. चलो आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या होने वाला है, आज का इवेंट क्या है. आपका टाइम और नहीं वेस्ट करके लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. So there you go guys, for all my EV fanatics, my EVians, my EVites, whatever you wanna call us, we are here for the love of EV. जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारे चारों ओर सिर्फ और सिर्फ EVs खड़ी हुई हैं. सब कुछ कवर करेंगे इसी वीडियो पे गाइस. हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, सो अगर आप EV फैन हो, अगर आपको इस तरह के कंटेंट अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताओ, हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी इसी तरह की कंटेंट लेकर आएंगे. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. यू नो मॉर्निंग में अभी बज रहे हैं कुछ 8-10, वेदर बहुत ही ब्यूटीफुल सा होकर रखा है. इट्स नाइस एंड क्लाउडी हियर, यू नो इट्स नॉट हॉट एट ऑल. एक छोटा सा पंगा ये हो गया है कि मैंने अपनी गाड़ी को चार्ज करने का मौका मिला नहीं मेरे गाड़ी को. सो अभी 53% या 54% चार्ज ही है. ये कुछ कह रहे हैं कि कुछ 40-42 किलोमीटर्स की एक छोटी सी रैली करना है इनको, बट आई एम नॉट श्योर. मतलब उसके बाद भी मुझे सिटी में टूर करना, तो हो सकता है आज मुझे सिटी में ही फास्ट चार्जिंग करने की ज़रूरत पड़ सकती है. देखिए फिलहाल हम आ गए हैं यहाँ पर लेक्सस मोटर्स. एज यू कैन सी, मैं आपको अपने कुछ दोस्तों से भी यहाँ पर मिलाऊँगा जिन्होंने मुझे यहाँ पर इस इवेंट के लिए इन्फॉर्म किया है, इनवाइट किया है. चलिए आइए शोरूम के अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या सीन है. तो यहाँ पे कुछ इस तरह के नज़ारे हैं. यू कैन सी अ लॉट ऑफ ईवी ओनर्स ऑलरेडी स्टैंडिंग हियर. मेरे संग और को भी आया हुआ है, हाय बोल दे भाई. सो मैंने और को भी फ़ोन कर दिया, बोला कि तू आ जा भाई, अपने साथ ही में करते हैं सब काम, प्रीतम से मिल लेते हैं. प्रीतम भाई थोड़ा बताओ, ये इवेंट जो आज हो रहा है, लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस इवेंट, क्या प्लान किया है इस इवेंट पे? So basically, as you know that I am also from the owner side. So this is my own point of view. This is not part of Tata Motors point of view. So what I have understood that this is part of their 1 lakh EV celebration. So they are doing this program across the country. So today we will start from Lexus Motors. This rally will be joined by, we are expecting 38-39 cars. So as of now, 30 cars already they have reached here. So we'll start from here, we'll reach till Victoria, then we'll come back to Novotel, then there will be a friendly gathering. Wow. So that's the program. So that's nice, Victoria and also. चलिए guys, thank you so much Pritam. Thank you. आपसे हम अलग में एक वीडियो आप जरूर करेंगे आपकी गाड़ी को जिसमें कवर करेंगे. Thank you so much. So thanks Pritam. Guys, this is going to be interesting. So मैं थोड़ा सा panic भी कर रहा हूँ because मेरे गाड़ी में उतना charge है नहीं. And you know, आई एम जस्ट एक्साइटेड एट द सेम टाइम बिट नर्वस कि गाड़ी उतने देर रेंज देगी नहीं देगी. हमारी फर्स्ट जनरेशन नेक्सॉन ईवी है, नॉट इवन प्राइम. सो लेट्स सी. अभी फिलहाल यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेक यहाँ पर है, हम रजिस्टर कर देते हैं अपनी गाड़ी को एंड वीडियो में आगे आपसे बाद में मिलते हैं. सो गाइस अभी जो हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे वो हमें बता रहे थे कि ये जस्ट एक रैली ही नहीं है, एक छोटी मोटी कॉम्पिटिशन भी होने वाली है जहाँ पे ये रेंज टेस्ट करेंगे किसने सबसे अच्छी रेंज निकाली है. श्री कुमार सर छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिएगा हमारे व्यूअर्स को. मैं श्री कुमार बंदोपाध्याय हूँ. मैं रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट के रिटायर्ड हो चुका हूँ. एक साल से मैं ईवी लेके घूम रहा हूँ कोलकाता के अंदर. Awesome. And I'm enjoying my driving. Me too. मैं भी एक साल चला रहा हूँ. एक साल चला रहा हूँ and I'm enjoying my driving in कोलकाता. एसी ऑन करके तभी तो एंजॉय होगा, तभी तो मजा है. सही बात है. एसी ऑन छोड़ के हम गाड़ी के अंदर भी डस्ट आ जाता है वो भी हम बिल्कुल पसंद नहीं है. मैं हमेशा अपनी वीडियोस में यही बोलता हूँ दादा, ऑलवेज एसी ऑन भी मैं गाड़ी चला. एरोडायनामिक्स भी खराब होती है, रेंज गिरती है एसी जो भी है. हां एंड वी परचेस द व्हीकल्स टू एंजॉय ऑल लाइफ. आपका कौन सा मॉडल है नेक्सॉन का? मेरा टाटा टिगोर ईवी है. टाटा टिगोर ईवी व्हिच इज कौन सा साल लिया था? लास्ट ईयर. मैं लास्ट ईयर सितंबर. कौन सा मॉडल? टॉप मॉडल लिया था. टॉप मॉडल लिया था. क्या बात, कैसी चल रही है गाड़ी? बहुत अच्छा चल रही है, छोटे मोटे है इशू वो ठीक है, चलते रहेगा. बट आई एम एंजॉयिंग माय लाइफ विद द ईवी. आई हैव गॉट अनदर
ICE vehicle with a Volkswagen. Oh, so, which one? Volkswagen? Volkswagen Tiguan. So I don't blow any horn. Neither am I. I don't like to blow horn. मैं drive एकदम नहीं करता हूँ. मैं horn नहीं बजाता हूँ. Even कोई pass लोग सामने आ जाए तो मैं खड़े हो जाता हूँ. Same यार दादा. Same यार. बहुत अच्छा लगा. I drive my vehicle in a very safe way. And in a very good और सबको आप यही बोलिए कि please drive your vehicle in a safe way. Don't honk unnecessarily. Honking makes you mad. Flag off का time आ गया है guys. So what they are planning to do is सबसे पहले वो जो है वो सारी जो टियागोज हैं वो लगाएंगे लाइन पर, फिर टिगोर्स एंड देन द नेक्सॉन ईवी. कुछ अप्रोक्सीमेटली 40 गाड़ियां जो हैं वो कॉन्वॉय में निकलेंगी और एक छोटा मोटा सा रेंज टेस्ट ये लोग करने वाले हैं. अपने को तो भैया एंटरटेनमेंट से मतलब है, रेंज से उतना मतलब है नहीं. सो चलो हम चल रहे हैं गाड़ी के पास में सो दैट वी कैन सिट इन द कार. बट एज यू कैन सी पहले जितनी भी टियागोज हैं वो निकल रही हैं. Oh man, I'm just loving these Tata Tiago EV, man. They are looking so compact and awesome, like proper EV cars lag rahi hain ye. This is brilliant. To sari ye rahi sari Tiagos nikal gayi. Ab aap dekh hi pa rahe ho, ek ek karke jitni bhi Tigors hain wo niklengi. Ye rahe hamare Shrikumar da. Shrikumar da, all the best. Thank you. I'll see you in Novotel. Sure. Drive safe. So guys, question ye tha ki जितनी भी गाड़ियां हैं लाइक जैसे देर आर टिगोर्स, देर आर टियागोज एंड नेक्सॉन ईवी प्राइम एज वेल एज मैक्स, तो ये जो रेंज टेस्ट जो ये कर रहे हैं इसको ये मैनेज कैसे करेंगे? तो उन्होंने बोला भाई तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें एसी ऑन करके चलाना है तुम एसी ऑन करके चलाओ, एसी ऑफ करके चलाना है. ये बेसिकली वॉट पर किलोमीटर देखेंगे कि आपने कितना कंज्यूम किया, उसके ऊपर में ये एक डिसीजन लेंगे. एज यू कैन सी द कॉन्वॉय हैज स्टार्टेड. Let me see if I can get an aerial view for you guys. Maybe once we hit the road, I'll try to get the aerial view for you. See so many other Nexon EVs also lined up over here. So they are stickering the cars. सामने वाली 11 है, हमारी है 12. Inverted दिख रहा है because बाहर से इन्होंने लगाई है. That's nice. Hello. This is for one-way communication. We have set the channel. This is channel 2. Okay. So can you just help me understand how this thing actually works? So if it's I have for one way communication, you'll only communicate with us. So hume yahan pe walkie talkie bhi de di gayi hai, fancy. So guys, aapko bata dun ki route kaisa bana hai. Agar aap Calcutta se ho to aap familiar ho gaye. So hum abhi hain filhal Auto Hub New Town mein, Rajarhat New Town. So yahan se hum start karenge aur hum jayenge Technopolis hote hue, Chingdi Hata hote hue, Maa flyover lekar Victoria, aur Victoria se wapas aayenge usi route ko lete hue Novotel in New Town. So, कुछ अप्रोक्सीमेटली ये होने वाला है कुछ 42-45 किलोमीटर्स का इंटायर सर्किट जिसको हम कवर करेंगे और जिस पर ये हमें टेस्ट करेंगे बेसिस ऑन दी रेंज दैट वी रिसीव. सो फैंसी हाँ वॉकी टॉकी एंड ऑल देव गिवन अस ओवर हियर. जो वन वे है हम कुछ नहीं बोल सकते, वो हमें कम्युनिकेट करेंगे सो दैट वी आर यू नो अलाइंड विद देम. तो आपने एक से बढ़कर एक देख लिए कार आते हुए और फाइनली अपनी निखिल भैया की कार आ चुकी है. तो हम फटाफट इस पे हॉप इन करते हैं. सो गाइस, मैं जो एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि हमारे पीछे पीछे भी जो लोग आ रहे हैं रेंज के चक्कर में ना वो 40 के भी नीचे चला रहे हैं. वेल दैट्स नॉट राइट. अभी हम तो अपने स्टाइल पे जो चलाते हैं वैसे ही चलाएंगे, थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच होगा बट चलो देखते हैं, आपको बताते हैं आगे आगे क्या होने वाला है. फिलहाल ऐसा लग रहा है कि सबसे सामने मैं ही हूँ और बाकी सारी गाड़ियां पीछे पीछे हैं, फीलिंग तो वैसी आ रही है. Thank you.
All right, guys, halfway mark. Just to give you a quick update, there you go in front of you. You can see we have reached halfway, approximately 24.5 kilometers driven. The SOC that we have got is 96 watt per kilometer. We started at 52%. So now we are at 44 and we have driven approximately 25 kilometers. So the range is not bad. We'll do the maths on your screen. Firhal, I'm trying to focus on the road. And there you go. People watching across, from India, not from Kolkata. We're going to give you some nice glimpse of the Victoria Memorial. So hope you enjoy it. So guys, we have finally reached Novotel. As you can see, that's the beautiful hotel right in front of you. And just to show you, हमारे गाड़ी में 39% बैटरी अभी है. हमने 52 पे स्टार्ट किया था. कुछ 94 की SOC हमने 94 की हमने एनर्जी कंज्यूम की है. और 40 किलोमीटर्स कुछ हम चला के लाए हैं. And I am very happy with the performance that I have got. I don't know result क्या होगा, but wish me luck. And अगर जीतते हैं तो इस जीत का credit सिर्फ आप लोगों को जाएगा, because आपके लिए मैंने गाड़ी इतने इतने मेहनत से, इतने प्यार से चलाई. और को पता है, सामने देखो वो वहां पर वो भी वीडियो निकाल रहे हैं. तो चलो देखते हैं क्या होता है. फिलहाल हम पहुंचते हैं अंदर और गाड़ी को पार्क करते हैं. ये लोग जब रीडिंग लेंगे तब मैं आपको बताता हूँ. चलो सबसे किसी कुछ लोग से पूछते हैं, ब्रदर हाउ वाज द एक्सपीरियंस सर. Sir, can you hold this? So, how was the experience? Experience is nice. The ride quality and drive quality is excellent. But till now, I am not satisfied with the range. कितनी मिली? ये total हमको hardly 175-180 is giving. Thank you so much. So, this was the Tata Tiago, and he is not happy with the range. So, let's see. Dada. की कहाँ? ये तो थोड़ो. हाँ. क्या मन चला experience? खूब भालो experience चलो. ড্রাইভ করলাম অনেক দূর এবং ভালো, মানে নেভিগেশনও খুব ভালো ছিল. বাহা, নেভিগেশন খুব ভালো ছিল. এন্ড উই এনজয়ড. কি রেঞ্জ কিতনা হ্যায় আপকা? রেঞ্জ কা পতা নেই মুঝে. রেঞ্জ কিয়া রেঞ্জ বল রহে হো আপ? কিতনে এসওসি পে স্টার্ট কিয়া, মাইনাস কিতনা কিলোমিটার চলায়া উসসে? ব্যাটারি পার্সেন্টেজ মে কোই ক্যালকুলেট নেই করা, ইনকো পতা হোগা. 5342. ইউ ক্যান সি দি কনভয় ইজ হিয়ার. সো ওভারঅল अभी तक तो मुझे पता नहीं किसकी कितनी रेंज आई है. चलो सर से पूछते हैं. हेलो सर. यस प्लीज. सो वेलकम टू माय चैनल. इट्स ओके इफ आई कैन रिकॉर्ड यू, राइट? यस, फॉर माय YouTube चैनल. कैसा था एक्सपीरियंस दादा? इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस. योर नेम प्लीज? आई एम लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर सोमनाथ कुंडू. थैंक यू फॉर योर सर्विस सर. या. एंड कैसा था रेंज वेंज, क्या मिली कोई अंदाजा? एक्चुअली आई स्टार्टेड एट 92%. प्रोबेबली वी हैव कवर्ड 40 किलोमीटर्स. तो नाउ द मीटर इज शोइंग 79%. सो कितने डिफरेंस एसओसी आया? 92 to 79, 2 + 1 maybe 13%. 13. Oh, that's good. Well, I hope you win it. Congratulations and hope in advance. So far, मेरे को तो मेरा एक कंपटीटर दिख गया दादा. जो लेफ्टिनेंट जो अपने हैं, उनकी परसेंटेज हमारी परसेंटेज मोर लेस सेम है. चलो ये एक और नेक्सॉन ईवी प्राइम है, ये पूछते हैं. सो वी हैव अ नेक्सॉन ईवी मैक्स हियर. व्हाट्स योर नेम सर? सुरभित.
Surbit, so you're okay if I can record you on my channel, right? So how was the experience, man? Absolutely fabulous. I never knew that this could be done. I mean, at this efficiency, I've never driven. What did you get? I'm at 86 watt hour plus kilometer, which means 450 kilometer range. Give it back, man. Just give it back. You're going to win it. I can. It's around. So I've done at 9%. I've done 41.6. Okay, hands down. Which means 450 kilometers at 100%. Thanks, man. Thanks buddy. Thank you so much. Cheers. Thank you so much. So guys, सबसे तो हम पूछ नहीं सकते, but जिन जिन से हमने पूछा है, they have really enjoyed the experience and हमने भी काफी enjoy किया. तो अब हम wait करते हैं, जब यहाँ पर ये हमें इकट्ठा करेंगे और announce करेंगे, तब हम आपको वापस से video में connect करते हैं. सो गाइज, हमारे साथ जो इस इवेंट के विनर है मिस्टर सुरवित, सो कांग्रेचुलेशंस फर्स्टली. मतलब कि 400 एंड कितना बोला, 466 इन योर नेक्सॉन ईवी मैक्स. मतलब कैसे, ये कमाल कैसे किया? फॉर द फर्स्ट टाइम आई एक्चुअली ड्रोव ऑन अ जीरो रीजन एंड आई थिंक दैट वर्क्ड. द रोड्स वर फ्री एंड आई व्हेनेवर द कार वाज पिकिंग अप अ बिट ऑफ स्पेस एंड देयर वाज अ स्लोप, आई लेफ्ट द पेडल एंड द कार ड्रोव ऑन इट्स ओन. Especially on the flyovers and all, I purposefully have played a bit with regen. So where I got a slope, I did a zero regen. When I was getting even a little slant, I made the car into zero regen and let the car drive on its own. And any other cars you own besides this? I have a Maruti Brezza. A Brezza as well. Yeah. And you have some connection with Snapcap, I heard? Yeah, it belongs to my brother-in-law. Brother-in-law. So guys, अगर आप ये देख रहे हो तो आप तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो, बिकॉज सुरवित के संग में यार हमारी ट्यूनिंग सही हुई है, तो हम इनके संग डेफिनेटली ओनरशिप एक्सपीरियंस का अलग से आपके लिए वीडियो लेके आएंगे, जहाँ पे स्नैपकैप की भी थोड़ी बहुत हम इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे, बिकॉज ये कंपनी मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और वो जो काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक कैब के फील्ड में, विच इज रियली रियली गुड. But anyways, let's just thank Surbit once again. Surbit, thank you so much. See you soon. I'll see you very, very soon, brother. Well done. So that's about it, guys. Now, अब समय आ गया है कुछ पेट पूजा करने का, तो यहाँ पे इन्होंने कुछ refreshments लगाई हैं. Hi, हम कुछ पेट पूजा करते हैं और वीडियो को यही खत्म करते हैं. होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो गाइज. अगर अच्छी लगी है तो उसे प्लीज एक लाइक करना, कमेंट्स छोड़ना मत भूलना. Please do shower us with your comments and share your thoughts with us. And don't forget to subscribe and hit the notification bell if you're new on this channel. I'm going to see you very, very soon on my next video. Till then, take care. God bless. I love you all. Mwah.